हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केंट्रल पंजाब वर्सेस सिंध के मैच प्रेडिक्शन के बारे में और पिच ऊपर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले गाइस, आप सभी को बता दें, तुम द जाफर प्रेडिक्शन के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप सब ज्वाइन नहीं हो तो वहाँ जाकर ज्वाइन करना। आपको वहाँ पर बैक टू बैक अपने मिल जाएगी, आपका लॉस होने का बिल्कुल चांस नहीं होगा, प्रॉफिट कमाओ गाइस, लॉस में जाने की बिल्कुल मैं सोचना प्रॉफिट कमाना। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं होते, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उसे क्लिक करो, अभी जाकर ज्वाइन जाएगी गाइस। आपको वहाँ पर बैक टू बैक अपने मिल जाएगी, आपका लॉस होने का बिल्कुल चांस नहीं, वहाँ पर प्रॉफिट कमाओगे। तो इसलिए गाइस, अभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया, आपको जब उनका जो मैच मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो गैस, पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे पिच ऊपर के बारे में। तो गैस, यहाँ पर जब फर्स्ट बैटिंग पर टीम आएगी उसके 50% विन होने के, जब सेकंड बैटिंग पर टीम आएगी उसके भी 50% विन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो गैस, यहाँ पर जो दोनों ही टीम आएगी उनके 50% विन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन गाइस, यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो फर्स्ट बैटिंग पर टीम आएगी उसके विन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। बात करेंगे पेस वर्सेस स्पिन के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर जो तेज बॉलिंग करेगी उसके 78% विकेट लेने की पॉसिबिलिटी रहेगी। जो स्पिन बॉलिंग करेगी उसके 22% उसकी इस विकेट लेने की पॉसिबिलिटी रहेगी, यानी जो धीरे बॉलिंग करेगी उसके 22% विकेट लेने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ऐसे यहाँ पर जो तेज बॉलिंग करेगी वो विकेट ज़्यादा लेगी, उसके विन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। इसके लिए ध्यान से मेरे देखना पड़ेगा कौन सी टीम तेज बॉलिंग कर रही है, तो आप उसी को फॉलो करना, सपोर्ट करना, क्योंकि उसके विन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। बात करेंगे अपन टीम फॉर्म के बारे में। गाइस, यहाँ पर टीम फॉर्म के लास्ट के 5 मैच हो, तो उसमें से गाइस यहाँ पर केंट्रल पंजाब ने गाइस यहाँ पर 3 मैच विन किए, 1-2 मैच उसके लूज गए। इधर बात करेंगे सिंध के बारे में, सिंध ने गाइस यहाँ पर 3 मैच विन किए, 2 मैच उसके लूज गए, मतलब कि यहाँ पर दोनों ही टीम बराबर लग रही है। बात करेंगे अपन लास्ट के 10 मैच के बारे में, हेड टू हेड के बात कर रहे गाइस अपन। तो हेड टू हेड में गाइस लास्ट के 10 मैच हो, तो उसमें से केंट्रल पंजाब ने गाइस 4 मैच विन के, सिंध ने 3 मैच विन के, मतलब कि यहाँ पर केंट्रल पंजाब का पल्ला ज़्यादा भारी नजर आ रहा है। लास्ट के मैच की बात करेंगे, लास्ट के मैच 2 मैच डिफेंड गए, 1 मैच चेस गया, वो भी केंट्रल पंजाब का। तो अपने फॉलोअर टीम सपोर्टर टीम रही केंट्रल पंजाब गाइस, उसके विन होने की पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा नजर आ रही, तो मैं तो उसी को फॉलो करूंगी, तो आप भी उसी को फॉलो करोगे तो आपके विन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। बात करेंगे अपन यहाँ पर टोटल वोटिंग के बारे में। गाइस, यहाँ पर लोगों ने टोटल वोटिंग करी है, सिंध को ही ज़्यादा वोटिंग करी गाइस, यहाँ पर सिंध को वोटिंग करी लोगों ने ज़्यादा, 2371 लोगों ने यहाँ पे वोटिंग करी है सिंध को। गाइस, यहाँ पर टोटल लोगों ने वोटिंग करी है, 2371 लोगों ने यहाँ पर वोटिंग करी है गाइस यहाँ पे, और सिंध का पल्ला ज़्यादा भारी, सिंध का 68% विन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी और केंट्रल पंजाब की 32% विन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। गाइस, कभी कभार ऐसा भी होता है जिसको लोग ज़्यादा वोटिंग कर रही है वो टीम हारती है, और जो जिस टीम को लोग कम पैसा लगाते हैं, कम फॉलो करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं, उस टीम विन होने की पॉसिबिलिटी रही है। कभी कभार ऐसा भी होता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर टोटल वोटिंग के बारे में, गाइस यहाँ पर जो पैसा लगाते हैं वो टीम या बुक के लोगों के रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बुक के लोग ही यहाँ पर जीत पाते हैं इस टीम में, जहाँ पैसा लगाते हैं गाइस, क्योंकि उन लोगों के पास में बेटर तो छोटे पंटर रहते हैं, उनके लॉस होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इसलिए गाइस, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़्यादा टीम पे पैसा लगाते हैं उस टीम को आपको चूज नहीं करना है, क्योंकि आप उस टीम को चूज़ करोगे तब क्या लॉस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी और आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। ये सिर्फ बुक के लोगों के लिए ही, बुक के लोग ही टीम को खेल सकते हैं, क्योंकि ये टोटल वोटिंग वगैरह ये पैसा लगाना करना है बुक के लोगों के लिए ही रहता है, क्योंकि बुक के लोग सेट होते रहते हैं, इसलिए उनको पता पड़ जाता कौन सी टीम जीतेगी कौन सी नहीं जीतेगी। इसलिए जो छोटे बंडर रहते हैं उनको ध्यान से मैच देखना पड़ता है, और ध्यान से ये वोटिंग के बारे में उनको पता बहुत ही कमी से रहता है। इसलिए गाइस, अब जो कम पैसा लगता है वो टीम आपको चुननी रहेगी, कभी कभार आप जहाँ ज़्यादा पैसा लगता है वो टीम को भी चूज कर सकते हैं। लेकिन गाइस, जहाँ मेरा जो कहना है इसके हिसाब से गाइस, आप जो कम पैसा लगाते हैं आप उसी टीम को चूज करोगे तो आपका लॉस होने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी। तो गाइस, अपने फॉलो अप सपोर्ट टीम यहाँ पर केंट्रल पंजाब भी रहेगी, आपको जो पैसा कम लगा रहे वही टीम को आपको चुनना है। मैं ज़्यादातर वही टीम को चूज करती हूँ
और वही टीम विनोने की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन गाइस यहाँ पर अगर मैच में अगर ट्यूस्ट आएगा अलग कुछ अलग आएगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूँगी, आप वहाँ जाके ज्वाइन भी कर लेना और आपको वहाँ पर पता पड़ जाएगा कि आपको कौन सी टीम विन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, तो आपको वहाँ पर मैं अपडेट डाल दूँगी और बाकी की अपडेट आपको बैक टू बैक टेलीग्राम चैनल पर मिली जाएगी। आपका लॉस नहीं होगा ओपनिंग का मौका, इसलिए गाइस लॉस नहीं भी मिस हो जाओ ओपनिंग का माना। तो गाइस मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।